अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर में पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किन रेडिएशन का यूज़ करते हैं, वो रेडिएशन एक मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस कास्ट करती है, उन रेडिएशन के फॉल होने से मॉलिक्यूल पर क्या असर होता है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि अब कुछ वाइब्रेशन होती है यहाँ पे, कुछ फंडामेंटल होती है और कुछ क्या होती है नॉन फंडामेंटल, उन वाइब्रेशन को हम डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और टोन कम्बिनेशन बैंड फर्मी रेजोनेंस, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम स्पेक्ट्रो इंटरप्रिटेशन से पहले हम ये सीखेंगे कि एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ फ्रीडम या नंबर ऑफ वाइब्रेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे, कि अगर एक मॉलिक्यूल लीनियर है या नॉन लीनियर है, उनके लिए अपने फार्मूले होते हैं। आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, रामन स्पेक्ट्रा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, चूंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम पढ़ चुके हैं कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम किसका नाम देते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है वो नाम देते हैं। अच्छा, अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किन रेडिएशन का यूज करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यूज करते हैं आईआर का, इंफ्रारेड रेडिएशन का, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल पे जब हम इंफ्रारेड रेडिएशन को फॉल करवाते हैं तो दीज इंफ्रारेड रेडिएशन काजेज व्हाट, ये आप लोग के पास काज करती है किस चीज को, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को, यानी दे काजेज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब देखिए, हमने यूवी जो है वो पड़ा हुआ है, वो क्या कास्ट करता है, मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन कास्ट करता है, यानी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जबकि आईआर हमारे पास कास्ट करता है क्या, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, मीन्स कि आईआर की एनर्जी जो है वो कम होती है यूवी से, दैट्स व्हाई यूवी एक्साइटेशन कास्ट करता है और आईआर जो है वो वाइब्रेशन। याद रख लें डियर स्टूडेंट्स कि एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी लेवल में हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, वाइब्रेशनल लेवल में हमारे पास क्या होते हैं, रोटेशनल लेवल होते हैं। सो फर्स्ट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम आईआर रेडिएशन का यूज करते हैं और ये क्या कास्ट करती है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो है वो कास्ट करती है। अब आईआर रेडिएशन का जो रेंज होता है डियर स्टूडेंट, वो रेंज कितना होता है, 625 से लेकर 4000 तक, यानी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 625 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये रेंज होता है किस चीज का, आईआर रेडिएशन का। अब आप लोग के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा कि 625 से लेकर 4000 तक, आपने पहले 4000 को लिखा और फिर 625 को। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आईआर रेडिएशन में हमारा मेन फोकस किस पे होता है, ट्रांसमिटेंस पे होता है। ट्रांसमिटेंस पहले मैक्सिमम होती है और फिर क्या होती है, वक्त के साथ साथ कम होती जाती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम जो रेंज है वो लार्जर से लेकर आते हैं स्मॉलर तक। अगर हम माइक्रोमीटर में ये रेंज करें तो 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर कहाँ तक, 16 माइक्रोमीटर तक हमारे पास क्या आती है, आईआर की जो है वो रेंज आती है। लेकिन याद रख ले डियर स्टूडेंट्स, हम किस पे फोकस करते हैं, दिस रेंज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सेंटीमीटर इनवर्स में हमारे पास जो रेंज है ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई, बिकॉज ये जो रेंज है, ये जो वैल्यू है, इनका रेंज क्या है, स्मॉल है। अगर आप लोग देखें ना, 625 और 4000 के बीच में नंबर काफी ज्यादा है, जबकि 2.5 से लेकर 16 तक इसमें नंबर बहुत क्या है, कम, रेंज क्या है, कम है। अब जब रेंज कम है तो जो स्पेक्ट्रा हमारे पास आएगा उसमें जो पीक्स होंगी वो बिल्कुल करीब करीब होगी, जिसकी वजह से उस स्पेक्ट्रा को स्टडी करना क्या होता है, मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स वाली रेंज को प्रेफरेंस देते हैं, वैल्यू को प्रेफरेंस देते हैं। क्यों, बिकॉज दिस रेंज इज ब्रॉडर, ये रेंज क्या है, बड़ी है, जिसकी वजह से पीक के दरमियान क्या होगा, गैप होगा। जब पीक के दरमियान गैप होगा तो स्पेक्ट्रा को स्टडी करना क्या होता है, ईजी होता है। सो पहला पॉइंट इस रेंज को जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेंज है 4000 से लेकर 625 तक, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी ये जो रेंज है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज फ्रॉम 625 टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स, दिस रेंज इज कॉल्ड फिंगरप्रिंट रीजन,
फिंगर प्रिंट रीजन, यानी ये जो रेंज है इस रेंज को हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन। और 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऑनवर्ड 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो रेंज है इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। सो मींस आईआर की जो रेंज है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज फिंगरप्रिंट रीजन एंड सेकंड इज अ फंक्शनल ग्रुप। पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स ये याद रख ले इंपॉर्टेंट कि यूवी इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, यूवी इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव टेक्निक। अक्सर औकात एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि यूवी क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है बोथ या नन, तो आप लोग क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्यों, क्योंकि यूवी को हम यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, के एक मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हम डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड हमने ऑलरेडी पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो इट मींस जितने भी हमारे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होंगे वो इस रेंज में शो होंगे। और ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है, देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जब फंक्शनल ग्रुप रीजन से हम सारे फंक्शनल ग्रुप को कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिंगरप्रिंट की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप लोग के पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज डियर स्टूडेंट्स ये क्या है आप लोग के पास अल्कोहल है, और ये भी डियर स्टूडेंट्स क्या है, अल्कोहल है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट ये कंपाउंड कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि अल्कोहल है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि अल्कोहल में ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो टर्शियरी अल्कोहल है। तो डियर स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप रीजन से हमें ये पता चलता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये पता नहीं चलता कि प्राइमरी है सेकेंडरी है या टर्शियरी है। सो अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी, क्यों हमें कैसे पता चल रहा है, फॉर दिस वी यूज फिंगरप्रिंट रीजन। सो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कौन सा रेंज यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला रेंज 1500 से लेकर 4000 तक, जबकि एक ही कंपाउंड में दो तीन कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर दिस वी यूज अ फिंगरप्रिंट रीजन। सो एक रेंज को आप लोगों ने याद रखना है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो सेंटीमीटर इनवर्स वाली है, क्योंकि वैल्यू रेंज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पीक में गैप होगा और स्टडी करना क्या होता है, आसान। फिर फंक्शनल ग्रुप रीजन कौन सी होती है, फिंगरप्रिंट कौन सी होती है, फंक्शनल ग्रुप का क्या काम होता है, फिंगरप्रिंट का क्या काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल लेवल है, दिस इज वी नॉट दिस इज अ वी वन, मतलब ये वाइब्रेशनली ग्राउंड स्टेट, दिस इज अ वाइब्रेशनली ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, एंड दिस इज वाइब्रेशनली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वाइब्रेशनली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस पे हम आईआर रेडिएशन को फॉल कराएं, सो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल से चला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड में या सेकंड एक्साइटेड में या थर्ड, डिपेंड अपॉन कि ये किस एनर्जी को जो है, ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है या कम को। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो रही है बिटवीन वाइब्रेशनल लेवल, दैट्स व्हाई हम क्या कहते हैं कि आईआर कॉजेस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, ये मॉलिक्यूलर एक्साइटेशन काज नहीं करती, इट कॉजेस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो वाइब्रेशन आप लोग के पास हो रही है, दिस वाइब्रेशन is of two type, one is called stretching vibration, one is called a stretching vibration, and second one is called bending vibration, bending vibration, yani one is called, one type of vibration is called stretching vibration and second type of vibration is called bending vibration. Stretching ke dear students do type hoti hai, one is called symmetric stretching and second one is called asymmetric
एसाइमेट्रिक स्ट्रेचिंग। पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स ये याद रख ले कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कौन सी वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन होती है डियर स्टूडेंट्स, ये जो बांड है ना इसको हम यहां पे एज अ स्प्रिंग कंसीडर करेंगे, वो वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग जिसमें बांड लेंथ क्या होता है चेंज होता है, बांड एंगल रिमेन सेम, यानी सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन विच बांड लेंथ चेंजेस बट बांड एंगल रिमेन सेम, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जबकि बेंडिंग वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन विच बांड लेंथ रिमेन सेम बट बांड एंगल जो है वो चेंज होगा। तो यहां पे बांड लेंथ चेंजेस बांड एंगल रिमेन सेम, यहां पे बेंडिंग होगी तो बांड एंगल क्या होगा चेंज होगा लेकिन बांड लेंथ क्या होगी आप लोग के पास सेम। साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है, ये बांड हम कंसिडर करते हैं एज अ स्प्रिंग। तो साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या कि अगर मैं इस बांड लेंथ को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहा हूं तो दूसरे को भी क्या करूंगा एक ही डायरेक्शन, मतलब अगर मैं दोनों को क्या कर रहा हूं एलांगेट कर रहा हूं या दोनों को क्या कर रहा हूं कम कर रहा हूं, सो दिस इज व्हाट दिस इज अ टाइप ऑफ, ये आप लोग के पास किसका टाइप होगा डियर स्टूडेंट्स, या तो दोनों क्या होंगे एलांगेट होंगे मतलब इंक्रीज बांड लेंथ इंक्रीजेज, या दोनों का बांड लेंथ क्या होगा डिक्रीज, सो सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग। जबकि एसाइमेट्रिक स्ट्रेचिंग में फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स वन बांड लेंथ इंक्रीजेज एंड अनदर बांड लेंथ डिक्रीजेज, ये वाली बांड लेंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और ये वाली बांड लेंथ क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। बेंडिंग वाइब्रेशन जिस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि बेंडिंग वाइब्रेशन में जो एंगल है एंगल रिमेन चेंजेस बट बांड लेंथ जो होता है बांड लेंथ रिमेन सेम। तो अब हम देखते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स इन प्लेन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड आउट ऑफ प्लेन, यानी बेंडिंग वाइब्रेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड इन प्लेन और सेकेंड वन इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स आउट ऑफ प्लेन। अब ये जो इन प्लेन है ये भी दो टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड सीजरिंग एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड वेगिंग, सेकेंड वन इज कॉल्ड वेगिंग। आउट ऑफ प्लेन भी डियर स्टूडेंट्स दो टाइप की होती है, वन इज कॉल्ड ट्विस्टिंग एंड सेकेंड वन इज सीजरिंग और दूसरा आप लोग के पास क्या होता है रॉकिंग, दिस इज अ सीजरिंग एंड रॉकिंग। यहां पे आप लोग के पास ट्विस्टिंग एंड शाबाश डियर स्टूडेंट्स वेगिंग होती है। तो अच्छा सीजरिंग में क्या होता है, जिस तरह सीजर होता है या तो दोनों बांड लेंथ क्या होंगे इन डिक्री एंगल मतलब डिक्रीज होगा या एंगल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज होगा। तो फॉर एग्जांपल दिस इज अगेन वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे या तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे या दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि रॉकिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक इस डायरेक्शन में आता है और दूसरा इसी के पीछे आता है। ट्विस्टिंग में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, वन इज ये चूंकि आउट ऑफ प्लेन है सो दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इस तरह एक इस डायरेक्शन में आता है और एक इस डायरेक्शन में, बैक एंड फ्रंट जो है वो मोशन करते हैं। जबकि वेगिंग में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, या तो दोनों ऐसे जाते हैं या दोनों ऐसे आते हैं, सो दिस इज अ टाइप ऑफ वेगिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्विस्टिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ सीजरिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ डियर स्टूडेंट्स व्हाट रॉकिंग। साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिक, दोनों बांड लेंथ इंक्रीज साइमेट्रिक, दोनों बांड लेंथ मतलब एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड एसाइमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सो दीज आर द टाइप ऑफ वाइब्रेशन जो हमारे पास कहाँ होती है आईआर रेडिएशन में, जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो वाइब्रेशन है ये और भी दो टाइप की आ जाती है वाइब्रेशन, वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड सेकेंड टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन दो टाइप की फर्दर होगी, वन इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा वाइब्रेशनली ग्राउंड स्टेट से जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में,
सो इससे जो अब वाइब्रेशन हमारे पास ऑब्टेन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल वाइब्रेशन, मतलब द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट या वाइब्रेशनली ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल वाइब्रेशन। जबकि नॉन फंडामेंटल, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के पास क्या होती है, ये एनर्जी लेवल इक्वल, वाइब्रेशनल लेवल इक्वल एनर्जी से जो है वो सेपरेट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा V नॉट से चला जाए डायरेक्टली V2 में, V1 में ना जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन V नॉट से जा रहा है V1 में, अगर इलेक्ट्रॉन V नॉट से चला जाए V2 में, वी नॉट से चला जाए V3 में, वी नॉट से चला जाए V4 में, मैं देख लूं कि नजर आ रहा है, तो इस टाइप ऑफ वाइब्रेशन को डियर स्टूडेंट्स हम किसका नाम देंगे, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन वी नॉट से जा रहा है V1 में, सो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज फंडामेंटल वाइब्रेशन। अगर इलेक्ट्रॉन V नॉट से जा रहा है V2 में, V3 में, V4 में, V5 में, तो इसको हम किस चीज का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन का। अब नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन में आप लोग के पास टाइप्स आ जाती है, फर्स्ट टाइप आप लोग के पास क्या होती है, अवर टोन। फर्स्ट टाइप आप लोग के पास क्या होती है, अवर टोन होती है, अवर टोन। सो फर्स्ट इज अवर टोन, व्हाट इज अवर टोन्स, अवर टोन्स हमारे पास क्या होते हैं, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये इसके वाइब्रेशनल लेवल है, दिस इज वी नॉट, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3। अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली वी नॉट से जंप करता है V2 में, सो दिस टाइप, इससे जो हमारे पास वाइब्रेशन काज होती है इसको हम क्या कहते हैं, अवर टोन। सो वी नॉट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है V1 में, दिस इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट अवर टोन, फर्स्ट अवर टोन। अगर वी नॉट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सॉरी V1 नहीं, दिस इज V2, V नॉट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है V3 में, दिस इज सेकेंड अवर टोन, सेकेंड अवर टोन। वी नॉट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है V4 में, दिस इज थर्ड अवर टोन। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखने कि अवर टोन के लिए एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। देखिए वी नॉट से जा रहा है V1 में, इसके लिए एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड, अगर वी नॉट से डायरेक्टली मैं लेकर जा रहा हूँ V2 में, तो इसके लिए एनर्जी क्या होती है, ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। लेकिन याद रख लें कि IR स्पेक्ट्रा में जो आप लोग के पास अवर टोन होते हैं, इनकी इंटेंसिटी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, कम होती है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ अवर टोन आप लोग के पास क्या होती है, कम होती है। तो जुमे का दिन है डियर स्टूडेंट्स, टाइम भी पूरा हो रहा है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है कॉम्बिनेशन बैंड की बात करेंगे, फर्मी रेजोनेंस की बात करेंगे, जिसमें एक और फंडामेंटल और वाइब्रेशन और अवर टोन क्या होते हैं, कपल हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।